जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरी फ्लोर पे पिन्नी बिछी हुई है, बढ़िया तरीके से कवर करा हुआ है पत्थर को, क्योंकि जो पत्थर होता है वो बड़ी नाजुक चीज़ होती है। तो क्या होता है कि जब हम पत्थर लगवा लेते हैं वाइट या कोई सा पत्थर, जब उसको कोई चीज़ गिरती है तो दिक्कत होती है, स्क्रैच वगैरह आने का खतरा होता है, मार्बल में गंदगी फंसने का, गंदगी घुसने का खतरा होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम कटाई करवाते हैं घिसाई में, तो उसके बाद हम पहली कटाई के बाद में इसको फील बिल्कुल पैक कर देते हैं 1 से 2 कटाई के बाद में, जिससे कि हम अपने दूसरे काम करवा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अब हमारा यहाँ पर VRV का कनेक्शन आप देख रहे होंगे, VRV के पाइप है ऊपर के, ये काम हो गया। इसके अलावा हमारी POP हो गई। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा फ्लोर नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, प्लास्टर ओके है, जितना भी बिजली का काम है सारा ओके है। तो अब क्या होगा, अब हम क्या है सीलिंग में आराम से सीलिंग करवा सकते हैं, POP की वायरिंग करा सकते हैं, POP का काम करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्लोर ख़राब नहीं होता, फ्लोर पे जो गंदगी गिरती है वो सिर्फ पिन्नी के ऊपर गिरती है। तो इसकी वजह से हमारा क्या है काम भी साफ़ सुथरा हो जाता है और कुछ ख़राब भी नहीं होता, पत्थर वगैरह भी ख़राब नहीं होता। देखिए आप, उसके अलावा दोस्तों जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे जो सावधानी का काम होता है वो जीने पे होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टेयरकेस में बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सफाई है, आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा साफ़ सुथरा है, कहीं भी गंदगी नहीं है। ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब आप न्यू साइड पे किसी नई साइड पे आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर गंदगी होगी तो पैर फिसल भी सकता है गंदगी से या डस्ट मिट्टी से, और फिसलने के कारण आप गिर भी सकते हैं, है ना जी। तो सबसे पहला सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी होना चाहिए जब हम कोई भी काम करवाते हैं। दूसरा ये कि इसके अलावा जो हमारा लिफ्ट का एरिया होता है, आप लोगों को खुद पता है कि लिफ्ट एक डेंजर पोजीशन होती है, जहाँ पर अगर आपने लिफ्ट का कटआउट पैक नहीं करा, जहाँ पर लिफ्ट है उसका अगर फेस पे आपने कुछ लगाया नहीं सेफ्टी पर्पज से, जाल वगैरह या कुछ बैरिकेड वगैरह, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आप ब्रिक देख रहे होंगे, वाली ब्रिक लगा रखी है जिससे कि कोई बंदा अगर जाता है तो लिफ्ट में गिरे नहीं गलती से। तो सबसे पहले ये काम आपका होना ज़रूरी है, जब भी आपकी बिल्डिंग तैयार होती है तो आपको लिफ्ट के आगे आपको चिनाई करवानी ज़रूरी है, या कोई भी सेफ्टी पर्पज़ की कोई भी प्लाई लगा दो या कुछ भी ऐसी चीज़ होनी ज़रूरी है, और जीना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जितने भी अपने DV बॉक्स होते हैं क्लीन होने चाहिए। फिलहाल ये यहाँ पर इसका कवर नहीं लगा हुआ, ऊपर वाले फ्लोर में लगा हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन, तभी काम करने का अलग। और आगे चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऊपर भी ऐसे ही करा हुआ है, लिफ्ट को पूरा कवर करा हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि जी यहाँ पर खाली है, यहाँ से भी तो कोई गिर सकता है, तो आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जाल लगाया हुआ है, और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम डुप्लेक्स बनाते हैं तो डुप्लेक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसा करके कुछ बैरिकेड आप लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता रहे कि उस तरफ आपका पैर ना जाए। जैसा कि अभी आपने नीचे देखा था फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अभी क्या कटाई का काम चल रहा है। इसके बढ़िया इसकी कटाई होने के बाद इसको जो हम प्रोटेक्टर 1 मीटर से लगाते हैं, 50-10 से इसको फिलिंग करते हैं, वाइट पत्थर है। उसके बाद जब ये कटाई हो जाएगी, कटाई के बाद इसमें हम लगाएंगे 1 mm 1005 लिपोक्सी, वो लगाएंगे, उसके बाद इसको पैक कर देंगे।
उसके बाद हम अपने जो भी हमारे काम है वो हम करवा सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे पूरा का पूरा क्लीन एरिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पत्थर लगवाते हैं तो पत्थर पे ही मतलब आपको कवर करना है, कोई नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो सरफेस है पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइल लगी हुई है यहाँ पर, फ्लोरिंग टाइल, क्योंकि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग लगनी है ना जी। तो वुडन फ्लोरिंग के ऊपर भी आप ऐसे पिन्नी लगवा सकते हैं, ताकि जब पीओपी भविष्य में पीओपी होती है आगे चल करके, तो वो गंदगी ना पकड़े। जब भी आप पिन्नी हटाएं तो आपको साफ़ सुथरा मटेरियल जो आपने लगाया है वो साफ़ सुथरा मिले बिल्कुल। आइए मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर भी आपको दिखेगा ऐसे ही लिफ्ट बिल्कुल पैक, लिफ्ट का प्लास्टर हो चुका है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लीन, कहीं भी मैंने एडिट नहीं करा, पूरा जीना बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हर साइड पर जिस भी आप जब भी अपना घर बनवाते हैं तो उसमें ये क्लीन बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी भी है। अभी दोस्तों यहाँ पर घिसाई का काम नहीं चल रहा, अभी यहाँ पर पत्थर लग चुका है, घिसाई का काम बाकी है। मगर जो हमारे दूसरे काम है, जैसे हमारा टाइल का काम हो गया, फ्लोरिंग या हमारा प्लम्बिंग का काम हो गया, वाटरप्रूफ हो गया, ये सब हो रहा है। जैसे जैसे हो जाएगा वैसे वैसे काम नीचे से फ्लोर पे होता चले जाएगा। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये उसी टाइप सारे फिटिंग हो चुके हैं बाथरूम के अंदर। ये आपका सिस्टम लग चुका है गैबरेट का, ये डब्ल्यूसी है, डब्ल्यूसी के साथ में फिर ये पूरा सावर एरिया है, ये अपना आई बॉक्स है वेगा फिटिंग का, ये सावर एरिया है, ये अब डाइवेटर लगेगा, ये आपका बेसन मिक्सर है बाथरूम के अंदर। इन सब पे एक लेवल दिया होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो लेवल आपको मेंशन करा होता है वो उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंग फ्लोर से लेवल लेकर के, फिनिश फ्लोर से लेवल लेकर के आपको ये काम करवाना होता है। जब आपको फिनिश फ्लोर मिल जाता है पत्थर लगने के बाद, तभी आपको ये काम करवाना चाहिए सिस्टम वाला, ताकि आपकी सीट पे कोई दिक्कत ना आए, हाइट का इशू ना हो, 18-17-18 इंची का जैसे 1-1.5 इंची का जो फ़र्क आता है वो ना आए। और आगे हमारे भाई हैं ये जो टाइल लगा रहे हैं, जैसे कि आपने दोस्तों नीचे देखा था फ्लोर पर, ये जो टाइल जो फ्लोरिंग है ये जीरो लेवल पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग का काम होना है। अब ये टाइल, ये भैया टाइल लगा देंगे, टाइल लगाने से इसको बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा, और तब फाइनल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग लग जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कितना डाउन करना होता है फ्लोरिंग टाइल को, और लेवल फ्लोर फिनिश लेवल से कितना इसको डाउन करना होता है। जो भी आप फ्लोरिंग टाइल खरीदते हैं, जो भी आप फ्लोरिंग टाइल खरीदते हैं, तो 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, तो उसके हिसाब से आपको एक मार्जिन दे दिया जाता है, फोम का मार्जिन दिया जाता है और फ्लोरिंग टाइल का मार्जिन छोड़ देना पड़ता है। उसके लिए जैसे मान लीजिए आपका 10 mm की टाइल है, तो 4 mm आपको प्लस जोड़ना होगा, तो 14 mm कम से कम फिनिश फ्लोर से आपको ये टाइल लगानी होगी। और ये जो टाइल है जीरो लेवल पर है, इसका लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये बदरपुर का जस्ट का मसाला है, लेवल कर दिया गया है, टाइल लगा दी गई थी, और ये अब सीमेंट का घोल डाल रहे हैं इसके ऊपर। सीमेंट का घोल डालने से क्या होता है कि जो टाइल होती है ये ज़्यादा पकड़ करती है, और इसमें कंजूसी ना करें सीमेंट का घोल डालने में, क्योंकि टाइल अगर सीमेंट कम लगती है तो टाइल बजने के भी चांस होते हैं, जो कि अच्छे नहीं होते। यहाँ पर भी आपका सारा फ्लोरिंग का काम, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया प्लम्बिंग का भी, और जैसा ले चलते हैं आपको हम जहाँ पर सिस्टम का काम किया जा रहा है। दोस्तों ये
एक मिनट, इसका लेवल ले लिया। तो जैसा कि मैंने आपको भी वीडियो में बताया था कि जब हमारा पत्थर लग जाता है तो पत्थर से जो हमारा लेवल जो किया जाता है सिस्टम के लिए वो ज़रूरी होता है। जब हमारा पत्थर नहीं लगा होता है उस टाइम अगर हम सिस्टम लगवाते हैं तो हमारे जो हाइट का इशू पड़ जाता है, कई बार सीट लगाने में दिक्कत होती है। तो आप सिस्टम वगैरह जब ही लगवाएं जब आपका फ्लोरिंग पत्थर या टाइल लग चुकी हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।